हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो बहुत ही खास है। तो ये है गन पाउडर। तो ये बंदूक वाला गन पाउडर नहीं है, खाने वाला गन पाउडर है, जो कि इडली और वड़ा या फिर डोसा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे यूज़ करें और मुझे ज़रूर बताएं अगर आप यूज़ करते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से गन पाउडर की रेसिपी देख लेते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गन पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च ली है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इमली ली है। तो ये इमली है, इसकी मैंने बीज निकाल दिए हैं। बीज निकाल के ही लेना है, क्योंकि जब हम इनको रोस्ट करेंगे और पीसेंगे तो इसका जो बीज होता है ना वो कड़वा होता है। तो उसका पाउडर बनाएंगे जब, तो कड़वापन उस पाउडर में आ जाएगा। तो इसके बिना बीज की इमली लेना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 8 से 10 ये लहसुन की कलियां ली हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक लिया है, 10 से 15 करी पत्ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1/2 चम्मच मेथी दाना है, 1 से 1.5 चम्मच ये लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच यहाँ पे जीरा है, साबुत जीरा, 2 चम्मच यहाँ पे चना दाल है, 1/2 चम्मच यहाँ पे हींग पाउडर है, 2 चम्मच यहाँ पे उड़द दाल है और 1 चम्मच यहाँ पे सरसों दाना है। तो ये सारे मसाले हम गन पाउडर बनाने में यूज करेंगे। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अब हमने जो सारे मसाले लिए थे उनको हम रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हमें इसलिए करना है ताकि जो भी मसाले हैं उनका जो भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाए। तो उड़द दाल और चना दाल मैंने डाल दी है यहाँ पे। एक दो मिनट के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे। तो अब मैं इसमें मेथी दाना भी डाल दूंगी, सरसों दाने डाल दूंगी, जीरा भी डाल दूंगी और जो साबुत धनिया था उसको भी ऐड करेंगे। तो अच्छे से इन सभी को मिला के हम रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इनको रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे हम रोस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे और जल भी सकते हैं मसाले। तो ध्यान रखिएगा, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इनको रोस्ट करना है। तो नेक्स्ट अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च जो ली थी उसको भी ऐड करेंगे ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। हम इनको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। लगातार चलाने से ये जलेगा नहीं। अब हम इसमें लहसुन की जो कलियां ली थी उनको भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें इमली डाल देंगे। इमली में मॉइस्चर होता है तो इसको हम थोड़ा सा ज्यादा रोस्ट करेंगे। साथ ही साथ इसमें करी पत्ते भी डालेंगे और हींग भी ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इनको 2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इनका जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी मसाले को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है।
और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम आगे की तैयारी करते हैं। तो मसाला हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हमें एक मिक्सर जार लेना है। इसमें हम ये मसाला ट्रांसफ़र करेंगे। तो सारे मसाले को मैंने एक जार में डाल दिया है। तो अब हमने जो नमक लिया था इसमें मैं वो ऐड कर दूंगी। नमक मैं स्वाद के अनुसार ले रही हूँ, आपको जितना ऐड करना है आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर लिया था, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं या कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए पाउडर एकदम तैयार है, जार में डाल के मैंने इसको एक फाइन पाउडर तैयार कर लिया है। तो गन पाउडर बनकर एकदम तैयार है। आप भी घर पे ज़रूर बनाइए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप बनाते हैं तो। ये इडली, उत्तपम, डोसा आप किसी के साथ भी इसको लगाकर खा सकते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसमें थोड़ा सा तेल मिलाकर, रिफाइंड ऑयल जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो आप मिलाकर इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये गन पाउडर, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। सो गाइस, अगर मेरी ये गन पाउडर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या अदर कोई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।